ये निकाल लिए हैं हमने आलू, क्योंकि मम्मी आज कुछ अपनी स्पेशल चाट बना रही है। डिफरेंट टाइप ऑफ चाट। ओके, विदाउट ऑयल। अच्छा, आलू चाट। ये से बॉईल करेंगे? Yes. तो आप अभी स्टेप स्टेप बताना, बताते जाओ हमको। हाँ, ये आपने एक बार मुझे फोन पे बताई थी। हाँ, लेकिन मैं बना नहीं पाई। ठीक है, चलो। हमें जितने आलू चाहिए हम उतने कर सकते हैं, लेकिन मैं आज सबको खिलाना चाहती हूँ नीचे। Okay. तो इसलिए मैं खूब सारी प्लेट्स चाट की बनाऊंगी। आलू को ये कर लिया, मतलब पानी में डाल दिया। अभी हमेशा आलू बॉईल करते हुए आप उसमें नमक डालो। नमक क्यों डालते हैं, मतलब 1 स्पून, इतने सारे में 1 स्पून नमक, उससे तुम्हारा छिलका जल्दी से निकल जाता है। हमेशा ये याद रखना। ये तो मुझे भी नहीं पता था मम्मी। थोड़ी रेसिपी मैं भी तो छुपाऊ ना। बताओ। ये देखो हमारा ये 1 चम्मच इसमें नमक स्प्रिंकल कर दिया बस। और कितने प्रेशर? मुझे लगता है इसमें सिर्फ 2 या 3, उससे ज्यादा नहीं, नहीं तो मैश हो जाएगी। एकदम मैश भी नहीं चाहिए ना, छोटे छोटे कट करने हैं, इसको मैश नहीं करना है। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। ठीक है, तो समझो 2 ही। सो आलू तो रख दिए, प्रेशर के लिए 3 प्रेशर दिए हमने। और ये मीनवाइल मम्मी ने मूंगफली भून ली अच्छे से, एकदम अच्छी तरह से आपको मूंगफली भूननी है ऐसा मम्मी ने बोला। और ये है सफ़ेद कलर का तिल, इसे भी अच्छे से भूनना है। ये हो गए आलू। ये नमक डालने से मैं इसलिए बोलती हूँ एकदम से छिलका निकल आता है। 3 प्रेशर में अपने आलू एकदम तैयार है। इसको थोड़ा अभी ठंडे होने देना है। ठीक है, ठीक है। और तिल का कलर चेंज होने तक उसको भूनना है। तुमको तिल की खुशबू आने लग जाएगी, जैसे ही खुशबू आएगी तिल को एकदम से बंद कर दो, ज्यादा नहीं तो जल जाएगा। मूंगफली को भी इतना ये भून लेना। भूनने के बाद इसके छिलके सारे ऐसे निकाल लेने हैं। ये सबसे टीडियस काम होता है, मूंगफली के छिलके निकालना। शाम से चीजें खानी है तो करना भी पड़ेगा। ठीक है, हाँ अभी आई। मैंने बोला ना वो जब उतलता है तो आती है, ये सूख के और आई। मुझे खुशबू आ रही है भूनने की। ये कुछ नया है, ये मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मूंगफली बहुत गर्म है और गर्म में ही छिलका जल्दी निकलता है, तो हाथ में लगने से अच्छा यू कैन टेक दिस। ये सबके घर में होता है भरता में, तो इससे तुम इसको करो, क्योंकि अगर टूट भी गई तो ऑलरेडी इसको पीसना है, तो नो टेंशन। देखो फटाफट छिलके निकल गए। तो देखा, अब आप लोगों को पता है जो ट्रिक्स वगैरह मैं आपको बताती हूँ वो मैंने कहाँ से सीखे हैं। अभी हम मूंगफली को पीसेंगे, लेकिन एज आई टोल्ड यू इसका पाउडर नहीं बनाना है, इसको खड़ी पीसना है। मम्मी भी एकदम टीचर जैसे सिखाती है ना। मुझे हमेशा हर कोई बोलता है कि आप एकदम ABCD करके टीचर। उस दिन हमें एक मैम मिली थी, हम मैं और मम्मी ओबरॉय में थे, स्टारबक्स में एक मैम मिली थी, वो भी मुझे बोल रही थी कि जिस तरह से आप सिखाती हो मुझे वो तरीका बहुत अच्छा लगता है। तो मम्मी का वीडियो शूट करते हुए मुझे वही याद आ रहा है कि मम्मी भी एकदम ऐसे एकदम ABCD टीचर जैसे सिखाती है। तभी तो अच्छी तरह पता लगेगा ना, जो बताएगा उसे भी समझना चाहिए। ठीक है, ज्यादा हो गया? नहीं, ठीक है ना? और, नहीं नहीं थोड़ा, अच्छा, थोड़ा और, क्योंकि अंदर तो सारे देखो सारे साबत है। कोई बात नहीं, बहुत भी पाउडर नहीं है, लेकिन ये थोड़ा तो और ही करना है, ये बहुत बड़ा है तो मुंह में आएगा। ठीक है, ठीक, मुंह में नहीं आना चाहिए। ठीक, इतने टुकड़े मुंह में आते हुए कुछ नहीं होता, लेकिन बड़े बड़े टुकड़े आएंगे तो मजा नहीं आएगा, तो इतना हमारा पाउडर ऐसा होना चाहिए। देखो, ठीक है, ओके। हम ना तिल को बहुत ठंडा नहीं होने देना, हल्का सा जैसे गरम है, ना ज्यादा गरम है ना ज्यादा ठंडा है, मतलब हमारा हाथ भी जा सकता है, क्योंकि एकदम ठंडा हुआ तो पिसा नहीं जाएगा। अच्छा, इसको भी वैसे ही पीसना है? हाँ। ओके। ये देखो तिल, ये देखो, देखा? अभी हमने आलू छील लिए। ये आलू बहुत गरम नहीं होने चाहिए, मतलब ना गरम ना ठंडे, क्योंकि बहुत गरम होंगे तो कटेंगे नहीं, मैश हो जाएंगे, तो अभी हमको ये काटने में आसानी होगी। अभी हम इसके छोटे छोटे टुकड़े काटेंगे और थोड़ा सा मतलब चौड़ा पतीला, वाइड वाइड पतीला,
देना चाहिए ताकि वो फैल के चाट बने, एकदम से ऐसे लोगे तो वो पूरी हो जाएगी। तो अभी हम इनको काटेंगे, मस्त बन गया। इतना टुकड़ा काटना है ताकि एवरी मतलब जिसको भी खाने में इजी लगे, बहुत बड़े नहीं काटने हैं। ये हमारे आलू कट गए और देखो ये जैसे जैसे ये ठंडे हो रहे हैं वो और भी अच्छे हो रहे हैं, तो इसीलिए उनको थोड़ा ठंडा होने देना है, फिर ठंडा मीन बहुत ठंडा नहीं। अब हम इसके अंदर सब कुछ डाल के मिक्स करेंगे, आप देखिए मैं कैसे कैसे डालती हूँ। हमने क्या करना है, ये कटे हुए आलू में आधी चटनी डालनी है, ज्यादा नहीं डालनी है। ये यम्मी यम्मी मुंह में देखिए पानी आ रहा है। यस, ये मैंने बनाई हुई है, जैसे कि मैंने आपको बोली आप बना सकते हो। इसी ये रेसिपी मैंने भी डाली है मम्मी, ऐसा नहीं है, और आपने मुझसे ही पूछ के बनाई है, वो भी बता दो। शुरू में तो मैंने ही बताई थी ना। अरे पर ये वाली तो मुझसे पूछ के बनाई है ना, ऐसा मत करो यार। थोड़ा तो मतलब क्रेडिट। अच्छा, और एक बात बहुत जरूरी है कि बहुत जोर से इसको मिक्स नहीं करना है, ताकि वो आलू बिल्कुल ये ना हो। ये देखो ऐसे एक एक आलू आपको दिखना चाहिए जब आप इसको मिक्स कर रहे हो। मूंगफली डालूंगी, एक दो तीन, ये से अंदाजे से ही डालना है ना, अपने पसंद के हिसाब से। पसंद के हिसाब से ये तिल है, तिल थोड़ा दो ही डालते हैं बस, ठीक है। फिर इसको फिर से मिक्स कर लो, क्योंकि ये पहले क्यों आधा डालना है, ताकि इसका फ्लेवर अभी इसमें पूरा लग जाएगा। इसके बाद फिर से चटनी डालनी है, फिर से तिल वो डाल के उसके बाद उसको गार्निश करना है। ओके, हमारी ऐसे आलू। अब इसमें और थोड़ी चटनी डाल, एक्चुअली ये चटपटे ही बनते हैं, इनको सूखा सूखा नहीं बनाना है, मतलब थोड़ा गीला थोड़ा चटपटा ऐसे बनाना है, इसलिए बाद में मैं और इमली डालती हूँ, और वो आपकी खट्टाई के हिसाब से डालना है, क्योंकि आपको इसमें नींबू नहीं डालना है। इसके बाद अभी बहुत कम डालेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, एक ही और एक ये तिल, और अभी ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा। मैं तो हाथ से ही डाल रही हूँ क्योंकि मुझे हाथ से ही अंदाजा है। अंदाजा है, ये हो गया जीरा पाउडर। जीरा पाउडर फिर डालेंगे हम काला नमक। काला नमक ये अंदर भी थोड़ा सा डालना है, ताकि जब खाएंगे तो इसके अंदर भी आपको फ्लेवर लगेगा। हरा धनिया और आधा बचाना है प्लेट्स में गार्निशिंग के लिए। लास्ट में गार्निशिंग, गार्निशिंग के लिए प्याज, हरी मिर्ची और ये नमक, वो भी अपने स्वाद अनुसार। वाह, खुशबू आ रही है ना दीपिका को, ऐसा होना चाहिए ना, एकदम ड्राई ना एकदम गीला। वाह, बाकी आपके अनुसार है, आपको थोड़ा और गीला चाहिए तो यू कैन मेक, पर मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक होता है। सारी मैंने ये कर दी, ये हमारे नीचे के लिए प्लेट्स, ये हमारे देव भैया के लिए, ये अभिषेक के लिए, ये मेरे लिए। मेरे लिए वो बताओ। लेकिन देखो तुम्हारे नाम का था पूरा एकदम, मैंने परफेक्ट बनाया ये। ओके, चलो आप करेक्ट है। गार्निश करेंगे सब में थोड़ा थोड़ा प्याज। प्याज इतना बारीक काटोगे ना तब मजा आएगा, बहुत बड़ा नहीं रखना, एकदम बारीक। मिर्ची थोड़ी सी, जिसको सब में डाल दूं? हाँ, मेरे लिए मत डालना, बहुत थोड़ी थोड़ी डालेंगे, ज्यादा नहीं, की हटानी हो किसी की तो हटा। इसीलिए मैंने ऐसी काटी है कि ऊपर से डाल दें, जिसको नहीं चाहिए वो नहीं खाएगा। ये कटोरी दीपिका की है, इसने नहीं डाला मिर्ची। हरा धनिया डाल के सारी कटोरियां तैयार है। चलो अब मैं सबको सर्व करूं, सब खाएंगे। सो हम सबके लिए ये यमी और बहुत क्विक सी चाट रेडी हो गई है, मैं टेस्ट कर रही हूँ।
मम्मी बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू। इधर आओ, आप ही टेस्ट करो। कितने सालों बाद बनाई है आपने? बहुत साल, मतलब मुझे बहुत साल बाद, लेकिन परफेक्ट बनी है। मतलब वो आलू जो मम्मी ने जब मुझे बताया था, मुझे लगा था कि इसमें कुछ क्रंची नहीं होगा, लेकिन वो प्याज मूंगफली, तिल और मूंगफली का फ्लेवर है, ओ बहुत। एंड एक्चुअली इमली की चटनी ज्यादा अच्छी लगती है, ज्यादा अच्छी है। नींबू नहीं डालना चाहिए, क्योंकि नींबू से वो नहीं अच्छा लगता है। तो आप लोग भी थोड़ी मेहनत कीजिएगा, इमली की चटनी बनाइएगा गुड़ वाली, और फिर ये बनाइएगा। पर ये बहुत बहुत ज्यादा यम्मी बनी है, मेहनत रंग लाई, बहुत ज्यादा, बहुत यम्मी थी। थैंक यू।